आज हम बात करेंगे रेकी एक्यूप्रेशर की। ये एक ऐसी थेरेपी है जिसके जरिए लोग अपने घर बैठे ही अपना खुद का इलाज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे ये बताएंगे कानपुर की जानी मानी रेकी मास्टर अमित कौर। अमित कौर के बारे में हम आपको एक और बात बता दें, ये विकलांगों के लिए, विकलांग बच्चों के लिए निःशुल्क इलाज भी मुहैया कराती हैं। चलिए बात करते हैं अमित कौर से। अमित जी बताइए कि रेकी एक्यूप्रेशर होता क्या है? एक्चुअली रेकी एक चमत्कारी प्रक्रिया है जिसको आप हील टच से करते हैं, और रेकी 19वीं शताब्दी से यूज़ की जा रही है, और मैं पिछले 20 साल से रेकी पे काम कर रही हूँ। रेकी एक ऐसी पद्धति है जिससे आप टच करके आप लोगों को ठीक कर सकते हैं, और आप विजुअलाइजेशन करके उसको हील कर सकते हैं, और डिस्टेंस से भी कर सकते हैं, और आप अपने पास क्लाइंट को बुलाकर भी उसको हील कर सकते हैं। और एक्यूप्रेशर, आपने एक्यूपंचर के बारे में सुना होगा कि निडल से इलाज किया जाता है, और उसी तरह एक्यूप्रेशर के भी पॉइंट्स होते हैं, उसमें भी आप पॉइंट्स पे प्रेशर देकर उस पर काम करते हैं और लोगों को बीमारियों से दूर करते हैं। और रेकी एक ऐसी पद्धति है जिसको आप ये नहीं कह सकते कि बस इस तरीके से ही उसको काम किया जा सकता है रेकी का, लेकिन रेकी एक बहुत ही स्पिरिचुअल पावर है जो यूनिवर्स से कनेक्ट करती है आपको, और रेकी से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं पिछले 20 साल से रेकी को कर रही हूँ, और मैंने ऐसे ऐसे इलाज किए हैं जो मैंने खुद भी नहीं सोचे थे। और रेकी के द्वारा आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने अंदर की आत्मा को आप छू सकते हैं, और इसके द्वारा आप लोगों को खुशियाँ बांट सकते हैं। इसके कुछ नियम हैं, इसके कुछ सिद्धांत भी हैं, लेकिन अगर आप ऊपर वाले पे विश्वास करते हैं तो इन सिद्धांतों और इन नियमों का कोई भी महत्व नहीं रहता है। आपको बस निस्वार्थ लोगों की सेवा करनी चाहिए, और रेकी आपका अपना आप ही काम करती है। रेकी करते कैसे हैं? रेकी बेटा कॉल की जाती है, उसको कॉल करने के बाद आप ऑरा पे काम करते हैं, 7 चक्रास पे काम करते हैं, और जिस पॉइंट पे आपको दिक्कत होती है उस पे रेकी की जाती है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास है तो आप उस व्यक्ति को छूकर कर सकते हैं, अगर आपके पास वो व्यक्ति नहीं है तो आप उसको सिंबल्स के द्वारा ब्रिज बनाकर आप उसको रेकी दे सकते हैं। जैसे कि आपने कहा ऑरा के जरिए, ऑरा क्या होता है ये हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। आप लोगों ने देखा होगा, आप भगवान के पीछे एक रोशनी होती है, वो हर व्यक्ति के पास होती है, उसी को ऑरा कहा जाता है। ऑरा जितना क्लीन होता है आप उतने ही स्वस्थ रहते हैं, और ऑरा को कोई नापने का मापदंड नहीं है, आपकी प्रायोरिटी ही आपको दिखाती है कि आपका ऑरा कितना। लेकिन हम लोग रेकी के थ्रू चेक करते हैं कि आपका ऑरा कितना ठीक है और कितना खराब है, उसी पर हम लोग काम करते हैं। तनाव से बचने के लिए भी रेकी का प्रयोग करते हैं, वो कैसे? रेकी तनाव को दूर करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है। आप रेकी के द्वारा अपने आप को संतुलित रख सकते हैं, अपने आप को आप डिसिप्लिन में रख सकते हैं, और रेकी से आप के अंदर जो विचार आते हैं बुरे, उससे आप दूर रह सकते हैं। नेगेटिविटी आपके पास रहती ही नहीं, इसलिए आपके पास तनाव रहने का कोई महत्व ही नहीं रहता। रेकी करने से पहले क्या क्या, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? रेकी करने से पहले आपको रेकी कॉल करना होता है, उसके बाद आपको थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाना पड़ता है। अगर आप लोगों ने आज्ञा चक्र के बारे में सुना होगा तो आज्ञा चक्र पे आपको ध्यान लगाना होता है, और आप उस पर काम कर सकते हैं। जैसे कि आपने विकलांगों के लिए भी काम किया, विकलांग बच्चों के लिए भी काम किया, तो विकलांग बच्चों की तरफ आपका रुख कैसे बढ़ा? मैं एक्चुअली 2 साल पहले एक शिविर में गई थी, वहाँ मैंने विकलांग बच्चों को देखा। मैंने पहले उससे पहले कभी सोचा ही नहीं था कि मैं विकलांग बच्चों पर भी काम करूँगी, लेकिन मैंने जब वहाँ पर देखा बच्चों को तो मुझे लगा जब रेकी सब लोगों के लिए काम कर सकते तो विकलांग बच्चों पर क्यों नहीं कर सकती। उस दिन से लेकर आज दिन तक मैं विकलांग बच्चों पर काम कर रही हूँ। इससे रेकी से उनके अंदर क्षमता बढ़ती है, वो भी हम लोग जैसे थोड़ा सा जीवन जी सकते हैं, तो मैं उन पे काम कर रही हूँ। जो बच्चे कम सुनते हैं उनको थोड़ा सा ऊपर वाला रेकी के थ्रू अच्छा सुनने के लिए शक्ति दे सकता है, बोलने का प्रयास कर सकते हैं, तो रेकी उस पे भी काम करती है। आप उन बच्चों की भाषा कैसे समझते होंगी? देखिए, कहते हैं दिल से दिल का रिश्ता होना चाहिए, बातें तो वैसे भी समझ आ सकती हैं।
कितने दिनों तक इलाज करने पर रेकी का फायदा होता है? इसका कोई नियम नहीं है कि कितने दिन आपको लगेंगे किसी बीमारी के लिए या किसी चीज़ को ठीक करने के लिए। रेकी एक दिन में भी असर दिखा सकती है और रेकी 100 दिन तक भी असर नहीं दिखा सकती। ये जिसको रेकी जो ले रहा है उसके विश्वास पे काम करता है। अगर मैंने अपना 100% दिया, अगर आप मल्टीप्लाई उसको 0 से करेंगे तो आपको रिजल्ट भी 0 ही मिलेगा। तो आप दर्शकों से क्या अपेक्षा करना चाहेंगे? मैं दर्शकों से यही कहूँगी कि रेकी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, समझिए और रेकी को जितना अपनी जीवन में उतार सकते हैं आप रेकी के द्वारा अपने जीवन में तनाव और आजकल का जो डिप्रेशन का इतना ज़्यादा चलन हो चुका है कि लोगों की इतनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं, उस पर कंट्रोल करिए। रेकी से आप अपने जीवन में इस कंट्रोल वाली स्थिति में आ सकते हैं। हमारे दर्शक अगर अमित कौर को सुन रहे हैं और उन्हें देख रहे हैं तो उन्हें फॉलो ज़रूर करें। आपकी सारी समस्या एक रेकी के जरिए तुरंत समाप्त हो सकती है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ वंदना पांडे, कबीर न्यूज़।